जय हिंद स्टूडेंट्स, ओ लेवल के एडमिट कार्ड्स का डिक्लेरेशन हो गया है और आप लोगों के पेपर 13 सितंबर से हैं। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को वो सारी छोटी बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें बताने जा रहा हूं जो आपको अपने एग्जाम या फिर ओ लेवल को पास करने में मददगार होंगी। मैं आपको ओ लेवल के यहां तक की आंसर शीट कैसे भरनी है और साथ ही साथ आपको किस क्वेश्चन को कितना लिखना है ये भी बताऊंगा। यदि आपने कोई भी प्रिपरेशन नहीं की है, आपके पास टाइम की शॉर्टेज रही है और आपके पास मात्र 8-10 दिन है, तो आप इस 8-10 दिन का सदुपयोग कैसे करेंगे और ओ लेवल में किस तरीके से आसानी से पास हो पाएंगे, चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोगों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा। अगर आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गया है और आप लोगों को सबसे पहले उसके साथ साथ करना क्या है, आप अपना डैशबोर्ड खोल लीजिएगा और आप अपने डैशबोर्ड में जो भी आपने एग्जाम पेपर लॉक किया है उस पेपर का ब्यौरा आपको वहां पे दिखेगा और साथ ही साथ यहां पे देखेंगे एक रजिस्ट्रेशन आईडी कार्ड आपको दिख रहा होगा। आप इसे क्लिक करिए और रजिस्ट्रेशन आईडी कार्ड आप लोग यहां से डाउनलोड करके रख लीजिएगा। यह हमेशा के लिए काम करेगा। बच्चों, आपका रजिस्ट्रेशन 5 साल के लिए होता है, कब से कब तक वैलिड है। रजिस्ट्रेशन पेंडिंग हो जाने या खत्म हो जाने के केस पे आपको 5 साल फिर से एक्सटेंड करने का ऑप्शन मिल जाता है री रजिस्ट्रेशन कराकर, जिसके लिए लगभग 750 रुपए आपको फीस देनी होती है। ये आईडी कार्ड बहुत सारे एग्जामिनेशन सेंटर पे देखा जाता है। अगर आपके पास आईडी कार्ड नहीं है या फिर आपके इंस्टीट्यूट वाले आपको नहीं दे रहे, वैसे तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी कोई चार्जेस नहीं होते, लेकिन पिछली बार मेरे को बच्चों ने कंप्लेन किया था कि उनके इंस्टीट्यूट वाले उनसे चार्जेस ले रहे हैं। इसमें कोई चार्जेस नहीं है बच्चों, आप अपना आईडी कार्ड सीधा अपने डैशबोर्ड पर लॉग इन करिए और लॉग इन होने के बाद यहां पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपके पास आईडी कार्ड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना आधार कार्ड या कोई भी एक ऐसा गवर्नमेंट कार्ड जिसमें आपकी फोटो हो, जैसे पैन कार्ड हो गया, वोटर कार्ड हो गया, उसको एज ए आईडी की तरह आप जरूर लेकर जाइएगा, बिकॉज एग्जामिनेशन हॉल में आपकी एडमिट कार्ड और आईडी कार्ड दोनों की डिमांड होगी। तो पहला काम तो यही है। कुछ बच्चे अभी भी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहे, उसका एक सीधा सा लॉजिक है। आप लोगों ने में से कई सारे बच्चों की जो कंप्लेन आई उनमें से आप अगर चेक करें तो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड ना होने का एक ही मेन कारण है कि आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ गलत है। आप लोगों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहां क्लिक करना है और साथ ही साथ जुलाई पे जाना है। रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देने के बाद यहां डेट ऑफ बर्थ जो है वो इसी फॉर्मेट में लिखनी है, जैसे कि किसी की डेट ऑफ बर्थ 12 जुलाई है तो 12JUL लिखेंगे और फिर पूरा डालिएगा इस तरीके से। अगर ये डेट ऑफ बर्थ भी आपकी गलत आ रही है या डेट ऑफ बर्थ एरर आ रही है तो आप अपने एप्लीकेशन को चेक करिए। एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने के लिए आपको साइड में ही यहां दिया रहता है चेक एप्लीकेशन स्टेटस, और आप अपना एप्लीकेशन नंबर और अपना डिटेल डाल के चेक करिए। अगर ये डेट ऑफ बर्थ गलत है तो ये भी हो सकता है आपसे ना खुले। अगर ये ना खुले तो आप समझ जाइएगा कि आपने फॉर्म भरते समय दूसरी डेट ऑफ बर्थ डाली थी और यहां पर दूसरी डेट ऑफ बर्थ से आप लॉग इन कर रहे हैं, इसीलिए आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है। अब आगे देखते हैं। आप लोगों का एडमिट कार्ड भी डाउनलोड हो गया। अब आपके एडमिट कार्ड पे एक रोल नंबर लिखा है और एक रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है, ये ध्यान से नोट कर लीजिएगा, बिकॉज ये एडमिट कार्ड में तो लिखा ही रहता है। इस एडमिट कार्ड को सेव करके भी रखिएगा, क्योंकि आने वाले समय में आप लोगों को प्रोजेक्ट बनवाना होगा, तो जब आप प्रोजेक्ट के लिए मुझे भेजेंगे तो मैं आपसे ये एडमिट कार्ड या आपका आईडी कार्ड आपसे उस समय मांगूंगा, मेरे को उसकी जरूरत पड़ेगी। यहां पर आपका अपना एड्रेस होगा और जहां आपका एग्जामिनेशन है उस सेंटर का डिटेल दिया होगा। साथ ही साथ आप लोगों का 2 बजे से लेकर पेपर है 17 तक, और आप लोगों को 13 तारीख को ये पेपर पढ़ रहा है और 15 को ये। आपके नीचे जैसे इस कैंडिडेट ने 2 पेपर लॉक किए तो एक 13 को है और ये 15 को है, आपको ये दोनों पेपर्स 2 बजे वहां पर देने जाने हैं। याद रखिएगा, एग्जामिनेशन हॉल में आपको आधा घंटा पहले ही एंट्री मिल जाएगी। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है यहां पर, इट इज अ मैंडेटरी टू ब्रिंग द एडमिट कार्ड अलोंग विथ अ वैलिड ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कम आईडी कार्ड, जो मैंने अभी आपको बताया था कि अपना आईडी कार्ड जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें लिखा भी हुआ है जो निलेट ने इशू किया है वो आपको वहां पर दिखाना होगा, लेकिन हर बच्चे के पास नहीं है। तो इसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि विथ एनी वैलिड ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी कार्ड सच एज ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, एनीथिंग एक्सेट्रा टू द एग्जामिनेशन सेंटर एज द प्रूफ ऑफ योर आइडेंटिटी। क्लियर हो गया, तो आप लोग लेके जा सकते हैं अगर आपके पास ओरिजिनल आईडी कार्ड नहीं है। बाकी इसके सेकंड पेपर में जो सारी इंफॉर्मेशन है इन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन अभी बता रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी के साथ आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनके पास बहुत कम समय बचा है
और वो जल्द से जल्द फिनिश करना चाहते हैं, एटलीस्ट पासिंग नंबर जरूर चाहते हैं, तो आपको मैं एक आसान सा मेथड बता रहा हूं कि आप लोग अपने इस ओ लेवल के एग्जाम्स को या ई लेवल के एग्जाम्स को किस तरीके से दे पाएंगे। आप प्ले स्टोर में जाइएगा एंड्रॉइड के, और आप मेरा ऐप जो है आईसीई एकेडमी उसको डाउनलोड कर लीजिए, इजिली प्ले स्टोर में मिल जाएगा। और इसके नीचे स्टोर सेक्शन पे आप जाइएगा, जो थर्ड ऑप्शन है। वैसे आपको बता दें कि इस समय हम लोगों ने आप सभी की डिमांड को देखते हुए एक कूपन भी ऑफर किया है 30% डिस्काउंट का, जो कि आप लोग आज और कल दो दिन इस्तेमाल कर पाएंगे। तो जिन लोगों के बच्चों के अभी तक कोर्सेज पेंडिंग थे, जिसके कारण से वो नहीं बाई कर पा रहे थे कोई भी कारण, तो ये कूपन आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। इसी के साथ साथ हम लोग एक ट्रिपल सी अक्टूबर और नवंबर की लाइव क्लासेस भी शुरू हो गई है या होने वाली है। आप लोगों को संडे को इसका नोटिफिकेशन और इसके साथ साथ आप लोगों को लाइव कैसे ज्वाइन करना है वो सारी इन्फॉर्मेशन भी जल्दी मिलेगी, और साथ ही साथ ओ लेवल के क्रैश कोर्सेज और पूरे डिटेल। नीचे चलते हैं हम लोग स्टोर सेक्शन पे, मैं आपको दिखा देता हूं आप लोगों को करना क्या है। स्टोर सेक्शन में आप लोगों को ऊपर स्टोर सेक्शन में सबसे टॉप में दिखाई देगा कि आपको क्या चीज सर्च करनी है, तो सर्च बाय नेम जो ये ऑप्शन है यहां पे टच करिएगा और टाइप कर दीजिएगा गेस पेपर। आपको यहां पर चारों गेस पेपर R4 वाले, जैसे कि आपको दिख रहा है यहां गेस पेपर सी प्रोग्रामिंग का, आईसीटी का, आईटीडब्ल्यूडी का और आईटी टूल्स का R4 वाले, ये चारों मिलेंगे। ये चारों जो आप देख रहे हैं ये सारे के सारे पुराने वाले सिलेबस के हैं। आप इनमें से जो जो पेपर है आपका R4 का वो पेपर आप लोग उस पर बाई कर सकेंगे। साथ ही साथ नीचे अगर मैं थोड़ा सा ड्रैग करूं तो आपको R5 के भी चारों आपको यहां पे दिखाई देंगे, जो कि आपको M4, M1, M2 और M3 के हैं। ये बच्चों गेस्ट पेपर आपके लिए सबसे कोर पार्ट है। अभी तक अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है या कम पढ़ा है तो आपके लिए ये रट कर पास होने वाले एक सबसे बढ़िया ऑप्शन है। ये गेस्ट पेपर का फायदा कैसे उठाएंगे और आज का कूपन कैसे यूज करेंगे वो भी देख लीजिए। आप गेस्ट पेपर मान लीजिए आपको पाइथन का चाहिए, तो आप बस पाइथन के गेस्ट पेपर के ऊपर टच कर दीजिए, ये पाइथन का गेस्ट पेपर ओपन होगा। नीचे बाय नाउ ऑप्शन है, थोड़ा सा वेट करके ऊपर थोड़ा सा स्क्रॉल करिए और आप देखेंगे यहां पर ही एक कूपन कोड अवेलेबल ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। आप इस कूपन कोड अवेलेबल ऑप्शन में व्यू ऑल बटन को क्लिक करिए और व्यू ऑल पे क्लिक करते ही आपके सामने एक 30% का कूपन और आज और कल के लिए है। आप सीधा इसे अप्लाई कर दीजिए, अप्लाई करते ही कूपन अप्लाई होगा और आपकी फीस में 30% का डिस्काउंट हो जाएगा। इसको आप क्लिक करके नीचे बाई कर लीजिए और बाई करने के बाद आप लोगों को जैसे ही बाई हो जाएगा आप लोगों को ऑटोमेटिकली मैसेज आ जाएगा मेरी तरफ से, और उसके बाद आप लोग ये पूरा का पूरा कोर्स पढ़ सकते हैं। इस कोर्स को पढ़ना कैसे है, एग्जाम कैसे देना है, उस पर भी ध्यान कर लेते हैं। पेमेंट करने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जो आपको कंफर्टेबल लगे उससे पेमेंट कर लीजिए। अगर आपके पास पेमेंट ऑप्शन नहीं है तो आप अपने फ्रेंड का भी, जैसे यहाँ गूगल पे फोन पे नंबर है उनका डाल दीजिए, उनके पास ओटीपी आएगा, ओटीपी पूछ के टाइप कर दीजिए, आपकी पेमेंट वहां से भी हो जाएगी। जब कोर्स बाई हो जाएगा तो आपको सबसे नीचे प्रोफाइल, वैसे तो मेन स्क्रीन पर भी आ जाता है वरना लास्ट में प्रोफाइल पोर्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन दिखाई देगा कोर्सेज, और इसमें आपके द्वारा बाई किए गए सारे कोर्सेज यहाँ पे दिखाई देंगे। बस आपको अपना जो भी कोर्स आपने बाई किया है उसी पर क्लिक करिए और आपको अब ऊपर कंटेंट मिलेगा। कंटेंट में आपको A to Z सभी कोर्सेज को पढ़ने का ऑप्शन खुलेगा। ये साइड में जो डाउनलोड बटन है इससे आप अपने वीडियोस को ऑफलाइन कर सकते हैं, ताकि बिना नेट के या बहुत स्लो नेट पर भी आप बड़े अच्छे ढंग से पूरी क्लासेस देख पाएंगे। ऊपर आपको PDF के ऑप्शन दिखाई देंगे और इसी PDF में जब आप जाएंगे तो यहां पर आपको एक गेस्ट पेपर का भी ऑप्शन दिखेगा। ये फुल कोर्स है, बच्चे ने लिया तो फुल कोर्स में सब कुछ होता है। गेस्ट पेपर के साथ साथ हिंदी इंग्लिश PDF रहते हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं, लास्ट ईयर के प्रैक्टिस सेट रहते हैं और गेस्ट पेपर भी रहता है। इस गेस्ट पेपर में आपको पहले ओमार शीट मिलेगी और साथ ही साथ आप लोगों को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का गेस्ट पेपर पूरा मिलेगा। आपको मैं बताना चाहूंगा कि ऑब्जेक्टिव का गेस्ट पेपर जो है वो इंग्लिश में है और सब्जेक्टिव का मिक्स है, लेकिन हिंदी पोर्शन ज्यादा है। साथ ही साथ मैंने कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस भी आपको इसमें दे रखे हैं, ताकि अगर पूरा वीडियोस पढ़ने का टाइम नहीं है तो गेस्ट पेपर से जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं वो जरूर फिनिश कर लें। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन पेपर्स पे आते हैं कि कैसे पेपर सॉल्व किया जाए। आज मैं आप लोगों को चारों पेपर्स के बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना रहे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं M1, R4 और R5 की। जैसे R5 है वैसे ही R4 है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। M1 R5 इसका ऊपर आपका ये जो आप देख पा रहे हैं ये ओरिजिनल पेपर है जो जैन का है, और ये पेपर आपके गेस्ट पेपर के साथ अवेलेबल है विद सॉल्यूशंस। आप लोगों को ये पेपर में साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये 3 घंटे का पेपर है, 100 नंबर्स का है और साथ ही साथ आप लोगों के पेपर का नाम ये है।
आपको जो ओमार शीट मिलेगी, आप लोगों को बता दें, आपको ओमार शीट की कॉपी भी मैंने यहाँ पर आपको सेंड की है, जैसे ओमार शीट नंबर ये समथिंग है, तो आपको अपना ओमार शीट नंबर यहाँ पर क्वेश्चन पेपर में लिखना होगा, क्वेश्चन पेपर आप घर पे ले जा सकते हैं। अब ये सारी इंफॉर्मेशन के बाद अब देखिए मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ कि क्वेश्चन पेपर जो है वो दो पार्ट में बटा हुआ है। दो पार्ट का मतलब हो गया, पहला पार्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव का है जो कि आप लोगों के 40 नंबर का है, और दूसरा पार्ट जो है वो सब्जेक्टिव का है जो कि 60 नंबर्स का है। एक सवाल और, सबसे पहला बच्चे ये पूछते हैं कि सर अगर हम लोगों ने पेपर हिंदी में लॉक कर दिया है तो क्या इंग्लिश में दे सकते हैं, या फिर इंग्लिश में है तो हिंदी? तो यस, आप दे सकते हैं। तो लिखा भी है कि क्वेश्चन पेपर्स आप हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है और आप अपना किसी भी लैंग्वेज में आंसर्स दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करिएगा कि एक क्वेश्चन इंग्लिश में लिख दिया और दूसरा वाला हिंदी में, ना, पूरा पेपर या तो हिंदी में दीजिए या तो पूरा इंग्लिश में दीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और देख लीजिए। सबसे पहले तो आप लोगों को यहां पर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी फाउंड इन द हिंदी वर्जन, इंग्लिश वर्जन विल बी ट्रीटेड एज फाइनल। इसका मतलब है कि अगर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन आया है, कोई भी प्रॉब्लम या त्रुटि आई है हिंदी में, तो हिंदी वाले की जगह इंग्लिश वाले को ही सही माना जाएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज कि आप लोगों को जो पेपर आप लोग देंगे, अब देखिए इसमें साफ साफ लिखा गया है एक जगह पर, द मैक्सिमम टाइम अलॉटेड फॉर द पार्ट वन इज 1 आवर, 1 घंटे में आपको पहला वाला ऑब्जेक्टिव करना है, ठीक है, और उसके बाद आपको सेकेंड वाली शीट मिलेगी। कैंडिडेट हु कंप्लीट पार्ट वन अर्लियर देन 1 आवर कैन कलेक्ट द आंसर बुक ऑफ या फॉर पार्ट टू। ये सबसे इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे बहुत बड़ा ट्विस्ट है। कैसे? कि अगर आप लोगों ने पहला पार्ट मान लीजिए 1 घंटे की जगह 40 मिनट में पूरा कर लिया, तो आपके पास अभी 20 मिनट का टाइम बचा है, तो आप वहां बैठे मत रहिए, आप सीधा सीधा आंसर शीट जमा करिए और सेकेंड पार्ट वाला क्वेश्चन पेपर तो आपके पास है ही, आंसर शीट वहां से ले लीजिए, तो आपको जहां 2 घंटे मिल रहे थे वहां 2 घंटे 20 मिनट मिल जाएंगे। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। और बहुत सारे एग्जामिनर जो है वहां पे ये देते नहीं है, बोलते नहीं 1 घंटा भरने के बाद ही होगा, तो उनको पढ़वा दीजिए किस पे लिखा हुआ है, तो ये पॉसिबल है। क्लियर हो गया। एक सबसे और इंपॉर्टेंट और अपडेट्स कि अब आपको बी शीट नहीं मिलेगी। इस बार के जो जैन में एग्जाम हुए थे टीचर्स, या फिर वहां पे लिखा हुआ आया था कि बी शीट आपको अलाउ नहीं की जाएगी, तो जो आपको लगभग 19 पन्नों की किताब कॉपी होगी उसी में आपको लिखना है, तो इसलिए आपको बिल्कुल प्रिसाइज लिखना है, इधर उधर की चीजें ना लिखिए, मैं जो मेथड बता रहा हूं उसी को फॉलो करिए। अब क्वेश्चन पेपर के निचले भाग में आते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो पेपर है इसमें पहले 10 आप लोगों के पास ऑब्जेक्टिव है, उसके बाद फिर अगला 10 जो है वो ट्रू फॉल्स है, उसके बाद फिर अगले जो 10 है वो मैच द फॉलोइंग है, और उसके बाद जो अगला 10 है वो आप लोगों का फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स में 2 ऑप्शन एक्स्ट्रा होते हैं। तो अब हमें ये 40 क्वेश्चन फिनिश करने हैं, बहुत ही आसान है। मैं आपको एक ओमार शीट में ये पूरे भर के दिखाता हूं कि कैसे किया जाएगा। ये सेम ओमार शीट होगी, बस पिंक कलर की होगी, जैसा कलर आपको हल्का हल्का यहां दिख रहा है। आपका ओ लेवल में या ए लेवल दोनों की ओमार शीट एक ही जैसी होती है। आप लोगों को यहाँ साफ साफ दिख रहा होगा कि यहाँ लेवल पूछा गया है कि आपको कौन सा है, तो यहाँ अपना पेपर बता दीजिएगा, आपका M1 R5 है R4 है उसको आप ब्लैक कर दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और रोल नंबर, सॉरी डेट ऑफ बर्थ नहीं, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, पेपर का नाम, और यहां पर जो इन्वेस्टिगेटर है उसके सिग्नेचर होंगे, और ये जरूर करवा लीजिएगा। अब नीचे आते हैं बच्चों, यहां पर आप लोगों के सामने स्क्रीन पर आ रहा है पहला वाला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब मान लीजिए जैसे आप लोग क्वेश्चन देने गए और आपको लगता है कि ये फर्स्ट का सेकंड है या थर्ड है, मान लीजिए कि थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये फर्स्ट वाला जो है टेस्ट कॉपी ये ए है, तो आपको ए वाले पर यहां पर मार्क कर लेना है इस तरीके से। क्लियर। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले परमानेंट मार्क ना करिएगा, पहले पेंसिल से स्पॉट कर लीजिएगा, क्योंकि अक्सर देखा गया है बहुत सारे बच्चे व्हाइटनर लगा देते हैं गलत होने पर, और व्हाइटनर जो है वो आपका डिस्क्वालीफाई हो जाता है। डिस्क्वालीफाई कहने का पूरा वर्ड डिस्क्वालीफाई कहना गलत होगा, क्योंकि आपकी कॉपी जो है वो रिजेक्ट हो जाती है ओमार रीडर से, ओमार रीडर उस कॉपीज को अलग कर देता है, जैसे नोट छापने या नोट गिनने वाली मशीन होती है वैसे ही। अब वो जो कॉपियां अलग हो गई हैं उनको फिर मैनुअली चेक किया जाता है, इसीलिए आप लोगों को सजेस्ट किया जाता है कि आप लोग इसके पेंसिल से पहले मार्क कर लीजिए, और जब आखिरी के 10 मिनट बचे हो तब फिर उसको परमानेंट कर दीजिए। अब इसी तरीके से सेकंड वाले में ट्रू फॉल्स है, तो ट्रू फॉल्स में अगर 2.1 का फॉल्स है तो आप फॉल्स कर दीजिए, ट्रू है तो ट्रू कर दीजिए। इसी के साथ थर्ड वाले पे आते हैं, मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग को किस तरह फिल करना है वो भी देख लीजिए। मैच द फॉलोइंग में आप लोगों को यहां पे साफ साफ दिखाई दे रहा है, आपके सामने इस तरीके का ऑप्शन आएगा, मान लीजिए 3.1 का सी लिखना है आपको,
तो 3.1 का सी, तो आपको यहां दिखाई दे रहा है 3.1 और ये रहा सी इस तरीके से। तो आप लोगों को 3.1 का सी इस तरीके से मार्क कर लेना। फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए अगर आप देखेंगे, ये रहा फिल इन द ब्लैंक्स। मान लीजिए 4.1 का आपको जी सही लग रहा है, तो आप लोग 4.1 पे जाइए और यहां जी वाले को मार्क कर दीजिए, जो भी आपको सही लग रहा है। इस तरीके से पूरे मार्क करिए बच्चों, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो कुछ भी मत छोड़िएगा और अक्कड़ बक्कड़ मत लगाइएगा। पेपर इजी रहते हैं तो आपको आसानी से समझ आ जाएंगे, बस इतना ही करना है। ये है आपका पार्ट वन, याद रखिएगा पार्ट वन 40 नंबर का है और इस 40 नंबर में 20 नंबर लाने कंपलसरी हैं, वरना आपकी कॉपी आगे चेक नहीं होगी। अब मैं बढ़ता हूं पार्ट टू की तरफ। पार्ट टू में अगर आप लोग गौर करें तो यहां पर आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि आपको पार्ट टू है, इसमें चार क्वेश्चन करने हैं और चार क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा है 5 क्यूब, पांचवें नंबर में दो है ए और बी, छठवें में आपको दिखा रहा है 3 है ए बी सी, सातवें में भी आपको 3 दिखाई दे रहे हैं एबीसी, आठवें में आपको भी एबीसी दिखाई दे रहा है और नौवें में आपको शॉर्ट नोट्स में 5 दिखाई दे रहे हैं। बच्चों अब आपको ये क्वेश्चंस 5 में इसमें लिखा है 3 करने हैं, फिलहाल 3 दिखा, तो पहले वाले को छोड़कर बाकी सब में 3 3 3 सवाल है, यानी कि कुल मिला के वो आपको 5 सवाल देंगे, उसमें 4 करने होंगे और हर सवाल के अंदर 2 या 3 ऑप्शन होंगे। आप लोग इस पर भी ध्यान दीजिए कि हर क्वेश्चन में नंबर्स कितने दे रहे हैं। देखिए यहां पर आप लोगों को दिख रहे हैं ये 15 नंबर का है, ये भी 15 नंबर का है और यहां पर ये दो क्वेश्चन से पहला वाला 8 नंबर का है और दूसरा वाला 7 नंबर का है। अब आपको जितने भी क्वेश्चंस दिखाई दें जिनमें 8 नंबर लिखा हुआ है, 8 नंबर वाले क्वेश्चन से, ये सबसे ज्यादा बड़े क्वेश्चन है और इन्हीं में सबसे ज्यादा टाइम लगता है, इन क्वेश्चन को आप लोग फिनिश करिएगा 3 पेज में, पेज 1 2 3, 3 पेजेस का मतलब समझ आ रहा है। जैसे कि आपके सामने ये आंसर शीट है, मैं 20 से फोल्ड करके दिखा रहा हूं, ये रहा ये 1 है और ये 2 है, क्लियर हो गया, और ये आप ऐसे फोल्ड करते हैं, पेज और पन्ना दोनों एक पन्ने में दो पेजेस रहते हैं लेफ्ट राइट। तो आप लोगों के पास इसमें 8 नंबर में आपको 3 पेजेस में फिनिश करना है। इस 3 पेजेस में 8 नंबर वाला जैसे क्वेश्चन बड़ा ही आएगा और एक ही आएगा जहां तक है, इसमें साफ साफ जो पेजेस में दिया रहता है क्वेश्चन उसमें दिया रहता है, डायग्राम भी बनाना है। अगर ना भी दिया हो डायग्राम तो इस तरह के 8 नंबर के पेजेस में आप लोगों को कम से कम कुछ नहीं तो आधे पेज का एक बड़ा डायग्राम आपको डिजाइन करना चाहिए। डायग्राम पेंसिल से मत बनाइए, पेन से ही बनाइए, क्योंकि पेंसिल पेन बार बार चेंज करेंगे तो टाइम वेस्टेज होगा, मल्टीपल कलर पेन यूज कर सकते हैं। डायग्राम बनाने के साथ साथ उसको नोमेनक्लेट करिए, यानी कि उसके लेबलिंग जरूर करिए। हमेशा क्वेश्चन शुरुआत जो किया जाता है, जैसे कि इसमें लिखा है ड्रॉ एन इंटरनल डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड एक्सप्लेन इन ब्रीफ द एप्लीकेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स, तो अब आप लोग ध्यान से देखिए इसको यूज क्या, इसको अच्छे ढंग से कैसे बनाएंगे। तो मैं आप लोगों को एक सिंपल तरीके से इसको पूरा एक्सप्लेन करके दिखाता हूं। इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे सबसे पहले डायग्राम ही ड्रॉ कर देते हैं, कुछ ऐसे नहीं किया जाता। स्टेप्स ये कि अगर आपके पास ये एक तरफ की शीट है तो यहां पर आप लोग ऊपर हेडिंग डालिए कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है, इस तरह पहले हेडिंग डाल लीजिए और उसके बाद सेकंड लाइन से फिर आप लोग यहां पर लिखना शुरू करिए एक छोटी सी लाइन में, इट इज अ मशीन, इस तरीके से एक छोटे से डेफिनेशन दीजिए कंप्यूटर सिस्टम होता क्या है। जब ये पूरी मशीन के बारे में आप बता देंगे कि ये होता क्या है, फिर उसके बाद आप लोग एक डायग्राम बनाइए यहां पर कंप्यूटर की मशीन का, क्लियर, ये छोटा सा ही बनाना है आपको और यहां पर आप लोगों को दिख रहा है कि एक छोटा सा डायग्राम मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। और जब ये डायग्राम पूरा बना देंगे, लेकिन उन्होंने आपको ध्यान दिया इंटरनल सिस्टम के बारे में पूछा है इन्होंने, इंटरनल डायग्राम बाहर वाला नहीं पूछा है, तो ये तो आपने एक ऐसे ही बना दिया, इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन नंबर स्कोर करने के लिए बहुत काम आता है। कीबोर्ड सीपीयू इस तरीके करके आपने दिखा दिया। अब अगला स्टेप जब आपका ये पूरा हो जाएगा, अब आप लोग मेन सेकंड, अब यहां तक कि ये तो इंट्रो ही था आपका, अब आप लोग क्या करेंगे, अब आप लोग अगला लिखेंगे इंटरनल कंपोनेंट्स, या फिर उसमें डाल सकते हैं इंटरनल कंपोनेंट्स है इंटरनल कंपोनेंट डायग्राम। अब जब आप लोग ये पूरा लिखेंगे कंपोनेंट्स डायग्राम, अब आप लोग यहां पर एक एक करके शुरू करिए। सबसे पहले आप लोगों ने बताना शुरू किया कि हमें डालना है सबसे पहला कंपोनेंट नंबर 1 करके लिखिए यहां पर, मान लीजिए आप लोगों ने लिख दिया हार्ड डिस्क, ठीक है, और फिर यहां पर एक डायग्राम बनाया छोटा सा हार्ड डिस्क का, और डायग्राम में इस पर चिंता ना करिए कि कलर बहुत बढ़िया हो कैसा हो, ऐसा नहीं, कोई भी आप लोग किस तरह का भी बना लीजिए,
जो एग्जामिनर है उसको सब समझ आ जाता है कि आप लोगों को इसके बारे में वाकई पता भी है कि नहीं पता है। और एक लाइन जरूर लिख लीजिए, इट इज यूज टू स्टोर इस तरीके के द परमानेंट फाइल्स। फिर नंबर टू, नंबर थ्री, बड़े आराम से आपके डेढ़ पेजेस में एक बढ़िया सा डायग्राम हो जाएगा। एप्लीकेशन को आखिरी के जो जो पूरा हो जाए, इंटरनल डायग्राम्स आपने कंपोनेंट सिस्टम के बता दिए, तब वेरियस कंपोनेंट्स के बाद में उनका एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स। तो एप्लीकेशन जब आप बना रहे हैं तो उसी के साथ साथ लिखते भी रहिए कि जैसे आपने हार्ड डिस्क समझाया तो इट इज एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस यूज टू स्टोर द डेटा। फिर नंबर टू आपने बताया प्रोसेसर, नंबर थ्री मेमोरी, इस तरह करके आपने। बच्चों आठ नंबर में से कम गिरी हालत में वो आपको 6.5-7 तो देगा ही देगा अगर आपने ऐसे ड्रॉ करके बनाया है। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जिनमें आपको डायग्राम्स बनाने का ऑप्शन नहीं दिखेगा। जैसे ही आप लोग देख रहे होंगे कि यहां पे लिखा है लैंड मैन मैन, ये तो बढ़िया डायग्राम बनेगा इसमें, लेकिन अगर आप लोग गौर करें तो इसमें लिखा है हाउ टू मैनेज द डिस्क पार्टीशन ऑन द विंडोज यूजिंग द इनबिल्ट डिस्क मैनेजमेंट टूल। अब यहां पर आपका दिमाग लगेगा कि ये डायग्राम बने कैसे, तो थोड़ा सा यूज करिए, ये तीन नंबर का सवाल है और इतना लंबा चौड़ा लिखने की भी नहीं है आपके पास टाइम। तीन नंबर का मतलब हो गया ज्यादा से ज्यादा आप लोग लिखेंगे 12 या 15 लाइनें। अब इसके लिए आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप अपनी हार्ड डिस्क का ही एक डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। ये आपने हार्ड डिस्क का एक पूरा डायग्राम बना लिया और थोड़ा बड़ा करके बनाते हैं इस तरीके से। ये आपकी हार्ड डिस्क है और यहां पर आप लोगों ने हार्ड डिस्क का एक पूरा डायग्राम दिखा दिया और उसके अंदर आप लोगों ने दिखा दिया कि ये आपके वर्चुअल पार्ट्स हैं। यहां दे दिया ये सी पार्टीशंस हैं, ये दे दिया डी पार्टीशंस हैं और ये दे दिया ई पार्टीशंस हैं। उसके बगल में भी आप लोग एक्सप्लेन करके दिखा सकते हैं कि ये जो है आपका प्राइमरी पार्टीशंस हो गया और ये जो है बचा हुआ ये हो गया आपका एक्सटेंडेड पार्टीशन। बच्चों यकीन मानिए अगर आपने ये डायग्राम बना दिया है और नीचे अंग्रेजी में कुछ भी लिख दिया है, एग्जामिनर इसको परफेक्ट मानता है। एग्जामिनर के पास इतना वर्कलोड होता है कि वो आपकी हर लाइंस को नहीं पढ़ सकता। डायग्राम पहला अट्रैक्टिव टूल होता है उसके लिए, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आप बना के लिखिए, बहुत अच्छा है। दूसरी चीज, कभी पैराग्राफ मत लिखिए, कभी भी एग्जाम्स में पैराग्राफ मत लिखिए, क्योंकि आप लोग, ये मैं अभी की नहीं, सिर्फ इसकी नहीं, मैं सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स के बारे में भी बता दूं कि पैराग्राफ राइटिंग कभी पसंद नहीं करते एग्जामिनेशन हॉल में। हमेशा बुलेट्स और स्टेप राइटिंग लिखी जाती है। स्टेप राइटिंग कैसे लिखी जाती है, जैसे एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। यहां पर लिखा गया है एक्सप्लेन हाउ स्लाइड ट्रांजेक्शन इन यूज इन पीपीटी। स्लाइड ट्रांजेक्शन का इस्तेमाल पीपीटी में कैसे किया जाता है, पांच नंबर का सवाल है। पांच नंबर के सवाल का मतलब है आपको एक पेज पूरा भरना है, क्लियर। अब आप लोगों को दिख रहा होगा मैंने यहां पर सब कुछ एक्सप्लेन करता चला जा रहा हूं पांच नंबर वाले में, तो ये आपके तीन पेजेस यहां पर पूरे हो जाएंगे। छह नंबर में पांच, एक पेज तो भर ही दीजिए, थोड़ा बहुत साइड का भी एक पेज यूज कर लीजिए। तो इस तरीके से छह और चार, यानी कहने का मतलब है ये दो क्वेश्चंस आपके लेफ्ट राइट पेजेस में कवर कर लेगा और ये तीसरे वाले। तो अगर गौर करें तो मोटे मोटे अगर हमारे पास 15-16 क्वेश्चंस अगर आपको करने हैं और 19 पेज की कॉपीज हैं तो आप बड़े आराम से भर पाएंगे जिस हिसाब से मैंने कैलकुलेटिव बताया। पिछली बार बच्चों ने जब पेपर देना शुरू किया तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स बाद में कंप्लेन किए कि सर बी कॉपीज उन्होंने दी नहीं और मेरे आखिरी के एक दो सवाल छूट गए क्योंकि कॉपी में जगह ही नहीं बची थी, सवाल आते थे। और तो आप लोगों ने ये पूरा करना शुरू किया। मैं बात कर रहा था स्टेप कैसे करते हैं, तो देखिए एक्सप्लेन हाउ स्लाइड ट्रांजेक्शन इज यूज इन पीपीटी, स्लाइड ट्रांजेक्शन पीपीटी में कैसे किया जाता है। तो आपने शुरुआत इस तरीके से करी, देखिए हम लोगों ने सबसे पहले यहां पे लिख दिया स्लाइड ट्रांजेक्शन क्या होते हैं। एक सेकेंड, तो हम लोगों ने यहां पर लिख दिया स्लाइड ट्रांजेक्शन, पहले तो हेडिंग डाल दी स्लाइड ट्रांजेक्शन, और स्लाइड ट्रांजेक्शन के बाद यहां पर एक बुलेट बनाया और उसके बाद आप लोग पूरा लिखेंगे स्लाइड ट्रांजेक्शन दिस इज अ मेथड ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ स्लाइड ट्रांजेक्शन टू इंट्रोड्यूस वगैरह वगैरह, जो भी आप समझाना चाहते हैं। फिर नंबर टू स्टेप्स, स्टेप्स आपने बताया। अब जब स्टेप्स है तो स्टेप्स के सब बुलेट्स आ गए, सब बुलेट्स में आप लोगों ने एक दूसरा बुलेट बनाया क्लिक स्लाइड ट्रांजेक्शन, ठीक। उसके बाद ये मेन बुलेट था, उसके बाद ये दूसरा बुलेट आ गया क्लिक द गिवन सैंपल्स, ठीक है। और उसके बाद अब आपको यहां पर एक छोटे से डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। यहां पर आप स्लाइड ट्रांजेक्शंस के जो डायग्राम्स है कोई भी एक रफ डायग्राम दिखा दीजिए जिसमें यहां पे दिखाया गया है कि ये इस तरफ से आएगा,
फिर एक दूसरा डायग्राम आपने दिखा दिया कि ये इस तरफ से जूम होगा, बस हो गया आपका पूरा क्वेश्चन। तो ये बच्चों बहुत ही इफेक्टिव मेथड है आप लोगों के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। अब मैंने आप लोगों को जो क्वेश्चंस दिए ये तो चलिए पेपर वन के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। पेपर वन में आप लोगों को इतना करना सफिशियंट है, पेपर वन इस बार का काफी ईजी है, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। जैसे लास्ट टाइम का आया था बहुत ही इजिली आप लोग कर लेंगे, यकीन मानिए अगर आज आप पढ़ते हैं तो आप पेपर वन 13 तारीख को एग्जाम देने आएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ हम 80 नंबर का तो जानते ही हैं, पेपर इस तरीके से कंपोज है। दूसरी चीज, एक और मैं आपको डायग्राम एक चीज और आपको बता दूं कि गैस पेपर में ये आप कैसे करेंगे। अब अगर आप लोग गैस पेपर ले चुके हैं तो मैंने वहां पर चैप्टर वन चैप्टर टू चैप्टर थ्री करके सारे चैप्टर्स लिख दिए हैं और हर चैप्टर के अंदर के जो मेन टॉपिक है उसको बस हेडिंग में डाल दिया है। जैसे ओटीपी, दूसरा QR कोड, UPI, मैं सिर्फ एक का दिखा रहा हूं, बाकी सब आप बाई करेंगे तो आपको पूरा मिलेगा। POS, आप लोगों को बच्चों बस इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ना है। अगर आपके पास कोई बुक है तो बुक में ही इंडेक्स मार्क कर लीजिए, बस इस चैप्टर का ये टॉपिक पढ़ना है, बाकी सब छोड़ दीजिए पेपर वन में, उसके बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना आपको, क्लियर। और इन टॉपिक्स को भी मैंने पीछे या पेपर के नीचे एक्सप्लेन कर रखा है। जैसे ये है, अब यहां लिखा है मेल मर्ज इन एमएस वर्ड, आपके स्क्रीन पर हो सकता है जब आप वहां पे जाएं तो वर्ड की जगह राइटर लिख कर आए, जाहिर है आपके सिलेबस में वर्ड को एक्सचेंज करके राइटर कर दिया गया। अगर राइटर लिखा है तो आप लोग राइटर के अकॉर्डिंगली मेल मर्ज लिखेंगे, और अगर कहीं कुछ नहीं लिखा सिर्फ लिखा है मेल मर्ज एक्सप्लेन करिए शॉर्ट नोट में, तो आप वर्ड और राइटर किसी में भी लिख दीजिए, एग्जामिनर नहीं काटेगा। अब आपने यहां मेल मर्ज के बारे में लिखा जैसे मैंने बताया था, फिर आप लोगों ने पैराज ना बनाकर सिर्फ पॉइंट्स वाइज लिखा कि आप ऐसे खोलेंगे, एक डायग्राम बताया, ये अगल बगल की कहानी नहीं लिखनी, बस टूल्स, टूल्स के अंदर लेटर एंड मेलिंग और ये बस। फिर आपने देखिए स्टेप वन स्टेप टू बुलेट्स का यूज किया, और इसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगाया गया कि बुलेट्स के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी है, आप इतना ना लिखकर सीधा बुलेट्स के तौर, और उसके बाद आखिरी में ये जो इंपॉर्टेंट होता है इसको हम लोगों ने जहां डेटाबेस बनता है वो यूज करिए और बस फिनिश, बन गया आपका पूरा का पूरा मेल मर्ज। ये है आपका सही तरीका कैसे आप लोगों को देना है पेपर वन। तो आई थिंक आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ गया होगा कि किस तरह से एक्सप्लेन करना है आपको पेपर वन। अब एक छोटी सी और भी कुछ नोटिफिकेशन या यूं कहिए कि कुछ चेतावनी भी आपको दे देते हैं जो आप लोग गड़बड़ी करते हैं। पहली चीज, जैसे आप एग्जाम देने गए और एग्जाम देते समय आपको पता है कि एक टॉपिक हमें या एक क्वेश्चन हमें कम करना है और ऑप्शन पांच है, एक हमें छोड़ने का ऑप्शन है, लेकिन किसी कारण से ऐसा हो रहा है कि आपको ये दो आ रहे हैं और ये नहीं आ रहा आपको, और इसमें ये दो आ रहे हैं ये नहीं आ रहा, तो अब गेम ये फंस गया है कि हम कौन सा वाला करें, क्लियर, क्योंकि है तो सारे 15 नंबर के। तो सबसे पहली चीज तो अगर आप ऑनेस्टली करना चाहें तो आप देखिए, अगर आप लोग इस वाले को ध्यान दीजिए तो पहला वाला अगर आप नहीं करते तो यहां पे 7 नंबर का नुकसान हो रहा है, ठीक है, और यहां ये नहीं करेंगे तो 5 ही नंबर का नुकसान होगा, तो मेरे ख्याल से आपको ये करना चाहिए। दूसरी चीज, कभी कभार ऐसा भी होता है ये एक आ रहा है, इसका एक आ रहा है और इसका एक आ रहा है, तो बच्चों आप लोग तीनों में से अगर एक एक करेंगे तो जाहिर है कि आपके बाकी पेपर या बाकी क्वेश्चन छूटेंगे तो आपका उतने का नुकसान जाएगा। मैं आपको सजेस्ट करता हूं या फिर मैं आपको एक ऑप्शन देता हूं कि आप लोग छोड़ने के बजाय पूरा छोड़ दें, आप जो दूसरा ऑप्शन है, जैसे कि आपने डिसाइड कर लिया अब ये दो तो नहीं हम कर पा रहे, इसका एक आ रहा है, आप इसी का एक कर दीजिए, लेकिन लगातार सीक्वेंस में मत करिए। आपने लिखा 8A और 8B ना करके 2-3 सवाल दूसरे कर दिया, उसके बाद 6B भी कर दिया, क्लियर, क्योंकि एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है तो उसको क्वेश्चंस तो सारे पता होते हैं कि हाँ भाई ये क्वेश्चंस हैं और ये सारे करने हैं, और आपने आंसर्स लिखे हैं, एग्जामिनर आंसर पढ़ भी रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसने स्लाइड ट्रांजिशन पूछा, आपने कस्टम एनिमेशन लिखकर वहां समझा दिया, वो पकड़ लेगा तुरंत। तो सभी को क्लियर हो गया कि अब एग्जामिनर के पास एक सबसे बड़ी चीज ये भी है कि आपने अगर गलत ना लिखकर ये वाला अगर क्वेश्चन बीच में टाइप कर देते हैं या लिख देते हैं तो एग्जामिनर कभी कभार इतना इग्नोर कर देता है कि उसको इतना नहीं याद रहता। आप भी सोचिए कि अगर आप लोग सारी कॉपीज लगातार 250 कॉपीज रोज चेक कर रहे हैं तो आपके पास इतना थोड़ी याद रहता है कि 8 का ए है और 8 का बी उसने सही किया लिख के बी का या 6 का बी कर दिया और इसके नंबर्स मिल जाते हैं। ये मेरे पास एक लाइव एग्जाम्पल है और मेरे यहाँ के एक स्टूडेंट ने ऐसे ही किया, उसको सभी के अलग अलग क्वेश्चन ही आते थे और वो पास भी हो गया, उसको यकीन नहीं हो रहा था कि हाँ वाकई वो चेक होंगे कि नहीं, लेकिन वो क्वालिफाई कर गया। तो ये बच्चों एक आप लोगों के लिए एक अच्छी ट्रिक है जो आप लोग इस पे अप्लाई करें। एक आप लोगों को चेतावनी भी देना चाहूंगा, चेतावनी सिर्फ इतनी है बच्चों, आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जब एग्जाम शुरू होने होता है उसके पहले ही मेरे को पता नहीं कहां से वो लोग
पेपर ले लेते हैं और मुझे व्हाट्सएप पर सेंड कर देते हैं और कहते हैं कि सर मेरे को इसका सॉल्यूशंस बता दीजिए। मैं आप लोगों को वार्न करना चाहूंगा और आपसे रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा कि आप लोग 1.5-2-3 घंटे पहले ही पेपर मेरे को मत दे दिया करिए और आप लोग इस तरह की रिक्वेस्ट मुझसे मत करिए। जब आपका पेपर हो जाए और इत्मीनान से जब आप बाहर आ जाए अपने एग्जामिनेशन सेंटर से, तब आप लोग अपने पेपर्स मुझे सेंड करिए। मैं कोशिश करता हूं कि उसी दिन उसी 1-2 घंटे के अंदर ही आप लोगों के पेपर्स का सॉल्यूशंस अपने यूट्यूब चैनल पे लाइव स्ट्रीम करके आपका सॉल्व करा दूं। तो ये है आज का मेन जो आप लोगों के लिए जरूरी था ओ लेवल में एग्जाम देने के लिए। मैं जल्दी अब आप लोगों को सेकेंड और थर्ड मेन तो थर्ड पेपर जो आपको करना है वो बताने जा रहा हूं या बताऊंगा मैं आने वाले 1-2 दिन के अंदर ही। और साथ ही साथ अब हम लोग CCC का एक लाइव सेशन बैच भी शुरू करने जा रहे हैं जो अक्टूबर और नवंबर वाले बच्चों के लिए रहेगा। रात में 8 बजे लाइव सेशन होगा और ये जूम ऐप पे होगा। आप लोगों को CCC का A to Z सारा कोर्स पढ़ाया जाएगा, सारे पेपर सॉल्व कराए जाएंगे और आपके लिए ये बहुत ही इफेक्टिव होगा क्योंकि ये पेपर्स के ओरिजिनल क्वेश्चंस जो आप लोगों को मेरे सेंटर पे होता है एग्जाम, वो सभी कुछ आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आपका CCC पेंडिंग है और अभी आप लोगों का नहीं है तो जरूर ये बैच ज्वाइन कर लीजिए। मेरे एप्लीकेशन पे जाइए, नवंबर वाला CCC या अक्टूबर वाला CCC कोर्स बाय करिए और आप लोगों को ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आपके चैट सेक्शन पे आ जाएगा और आप वहां से अपना लाइव चैनल या लाइव क्लासेस के लिए ज्वाइन कर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को पाइथन के बारे में बताऊंगा कि आप लोगों को किस तरीके से ट्रिक यूज करनी है पाइथन की प्रोग्रामिंग करने के लिए और IoT का पेपर आप कैसे पास करेंगे। अगली क्लास जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक करिए अगर आपको पसंद आया और किसी भी तरीके से आपके लिए हेल्पफुल मिला। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय, टेक केयर।